नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों के राजभवन घेराव करने के समय लगाए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार का पुतला फूंका और उन पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि पूर्व में भी उन पर आंदोलन के दरमियान कई मुकदमे लगाए गए हैं और कई सालों से वो प्रदर्शन कर मुकदमों को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य आंदोलनकारियों पर देहरादून में लगाए गए मुकदमों को शीघ्र वापस लेने की मांग की है। बहुत सी मांगें हैं, समय समय पर हमने राज्य सरकार को बताई, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा कर रही है। जैसे सत्य आरक्षण के मामले में है, इनके समय के इलाज के लिए दूसरे और भी कई समस्याएं हैं, हम कि राज्य आंदोलनकारियों को समय पर मान्यता कि उनके कारण ये प्रदेश का निर्माण हुआ। और हमें जितने हम चाहते हैं, अभी 14 तारीख को हमारे जितने भी राज्य आंदोलनकारी वहाँ पर गए थे, उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया सरकार ने, जो कि सरासर अन्यायपूर्ण और बहुत हम उसकी विरोध निंदा करते हैं। और जिस तरह से उनके पर मुकदमे लगाए, हम चाहते हैं आज हमने उसी के तहत आप पुतला दहन किया हमारे अध्यक्ष जी राजेंद्र मिस्त्री के नेतृत्व में। हम चाहते हैं कि उनके मुकदमे वापस लें। अगर सरकार इसी तरह की अपनी हड्डा बनाए रहेगी, हम राज्य आंदोलनकारी आगे और आंदोलन को बाध्य होंगे। धन्यवाद। आंदोलनकारियों ने देहरादून में राजभवन का जो घेराव किया था और जो उनके पूर्व में भी जो आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे हैं, उसको लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने आज प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। हमारी मांग है कि राज्य सरकार शीघ्र राज्य आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस ले, अन्यथा पूरे प्रदेश में आंदोलन राज्य आंदोलनकारी खड़े होकर फिर आंदोलन चलाएंगे, जिसके नतीजे सरकार को भुगतने पड़ेंगे। तो राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जे जे एन न्यूज़। नमस्कार।